कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। I'm so excited. तुम इतने रोमांटिक हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अब बस भी करो, आ जाओ ना प्लीज। सब्र करो जाने मन, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। लेकिन ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं डार्लिंग। तुम्हारी यही तड़प तो देखना चाहते थे हम वर्षों से। तवा जितना ही गर्म होगा, रोटी सेकने में उतना ही मजा आएगा। लेकिन ज्यादा गर्म तवे में रोटी जल जाती है। बस मैं यूं गया और यूं आया तैयार होके। अरे इसमें रेडी होने की क्या जरूरत है, मैं रेडी हूं ना, इतना काफी है। अरे सुनो, अबे सुनना, एक नंबर का चूतिया है ये तो, पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे बांध कर राधे, राधे खोलो मुझे, जल्दी आओ यार, राधे यार खोलो ना मुझे, राधे यार दर्द हो रहा है मुझे। कितना टाइम लग रहा है इसे, कितना टाइम लगा रहा है ये। चश्मे बद्दूर, किसी की नजर ना लगे। भीगे होंठ तेरे। अरे यार क्या टाइम पास कर रहे हो तुम, पूरी तो भीग चुकी हूँ मैं, अब और कितना भिगाओगे। प्यासा दिल मेरा, तुम यहाँ, राधे कहाँ है? कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार।
ओ ओ ओ वो ओ ओ तुम तो वही हो ना जो गार्डन में मिली थी। तू अब भी नहीं समझी सखी रे, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान, दोनों एक ही है। क्या राधे? क्यों, इसमें इतना आश्चर्य वाली क्या बात है? तुम दिन में किसी के साथ, शाम को किसी के साथ, रात में किसी के साथ हो सकती हो, तो मैं राधे से लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। नफरत करती हूँ तुम जैसी औरतों से। मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे। मैं भी तुझे ऐसे नहीं मारूंगी, क्योंकि बंधा हुआ शिकार मुझे कतई पसंद नहीं। मजा तो तब आता है जब शिकार भी बराबरी का हो। कर रही हूं तुझे आजाद, जा भाग ले जितना भागना है, लेकिन लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा कि मैं तेरी तड़प को बुझा नहीं पाई। तुझे तुझे प्यासा ही मरना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो तेरी प्यास नहीं बुझा सकती ना सखी। चल चल जा, जी ले अपनी जिंदगी। खोलो, कोई है? खोलो प्लीज दरवाजा, खोलो, बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी। लक्ष्मी तुम जैसी औरतों पे भरोसा नहीं करती, और अब तो तुम मेरे बारे में जान भी गई हो। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। भीगे होठ तेरे, ए लक्ष्मी किधर है तू? हाँ सखी बोल ना। जल्दी से टीवी चालू कर, देख उस सीरियल किलर के बारे में बता रहे हैं, तू बच के रहना, घर से बाहर मत निकलना। ए सखी बड़ी किस्मत वाली है रे तू, तुझे जीने का
थोड़ा वक्त और मिल गया। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। ये फुटेज हमें वहीं से मिली है जहां से रीचा नाम की लड़की का अपहरण हुआ है। तो कहीं ये सीरियल किलर उसी एरिया में तो नहीं घूम रहा? ये सीरियल किलर अब तक शहर में कई खून कर चुका है। ये लोगों को क्यों मारता है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। 2 दिन पहले रीचा नाम की लड़की अपने घर के बाहर से गायब हो गई। पुलिस का मानना है कि रीचा के गायब होने के पीछे इसी का हाथ हो सकता है। इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। फोटोग्राफ्स मिले जिसको आगे FIR लिखकर पुलिस तफ्तीश करेगी। देखा सखी, देखा ना न्यूज में, शहर में कितना ही मुश्किल। लेकिन क्या कहे, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। You are looking beautiful. Hmm? क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर? अब क्या करें, मेरी बीवी है इतनी प्यारी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग शिवांगी। कल रात को एक लड़की और गायब हो चुकी है। ओह नो सर, आखिर ये शहर में हो क्या रहा है? आई नो शिवांगी, ऊपर से बहुत प्रेशर है। कमिश्नर साहब का सुबह से 3 फोन आ चुके हैं और प्रेस और मीडिया अलग से बैंड बजा रही है। सर ये लड़की किस एरिया की थी? शिवांगी मैं तुम्हें उसकी लोकेशन सेंड करता हूँ। एक काम करो, तुम फटाफट उस लोकेशन पे आ जाओ। ओके सर, आई एम कमिंग। सॉरी बेबी, मुझे जाना पड़ेगा। बेबी, तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने पहले भी तुमसे कहा है, तुम्हें किस चीज की कमी है? यू नो व्हाट सौरभ, मैंने ये पुलिस की जॉब पैसे के लिए नहीं की। तो आगे से हम इस बारे में ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, हमें पता चला है कि लड़कियों को गायब करके विदेशों में बेचा जा रहा है, क्या ये सही है? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले मीडिया को ये सब जानकारी कैसे मिल जाती है। तो फिर आप लोग ये भी बता दीजिए कि किलर कौन है, हमारा काम और आसान हो जाएगा। सर, क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस का अगला कदम क्या होगा? अब तक कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है, तो फिर सीरियल किलर को कैसे पकड़ेंगे? इसके पीछे जिसका भी हाथ है, हम उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। प्लीज सर, इस सीरियल किलर के बारे में कुछ बताइए प्लीज सर। सर, शहर में लड़कियों के गायब होने का सिलसिला जारी है। सूत्रों के मुताबिक से पता चला है कि कल रात शहर से एक और लड़की गायब हो गई है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने शहर में चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है। पुलिस इस केस की अच्छी तरह से छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथों अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। पुलिस का यह भी मानना है कि हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि पल पल की खबर न्यूज वाले घर बैठे ही दे रहे हैं।
पुलिस का यह भी मानना है कि लड़कियों को गायब करने में पड़ोसी देशों का भी हाथ हो सकता है। पुलिस इस केस की छानबीन करने में दिन रात लगी हुई है। चलिए आपको ले चलते हैं पुलिस के पास ऑन ग्राउंड, देखते हैं पुलिस का क्या कहना है इस बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस का अगला कदम क्या होगा? पुलिस की रणनीति क्या है? अब तक कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है, तो फिर सीरियल किलर को कैसे पकड़ेंगे? इसके पीछे जिसका भी हाथ है हम उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। सर प्लीज, सर एक सवाल। ओके, नो मोर क्वेश्चंस। पुलिस इंस्पेक्टर शिवांगी का दावा है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस अपराधी को सभी के सामने लाकर रहेंगी। इसके पीछे जिसका भी हाथ है हम उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। सर प्लीज। ओके, नो मोर क्वेश्चंस। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस शिवानी का शिकार करने में। पहले मुझे इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बदबू मारने लगेगी। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ किधर गया ये? अह